आपको दोनों दो और शिवलिंग है, एक आपको शिवलिंग में दिखा चुका हूँ जो कि बाणासुर के द्वारा यहाँ पर स्थापित की गई थी। यहाँ पर तीन शिवलिंग स्थापित की गई थी और बाणासुर की यहाँ पर राजधानी कही जाती थी, जहां पर जो है बाणासुर स्वयं यहाँ पर राज्य करते थे और स्वयं शिव को उन्होंने यहाँ पर विराजमान करवा के रखा था अपनी सुरक्षा के लिए। उनको यहाँ पर वो बहुत ज्यादा तपस्वी था और था, लेकिन राक्षस उसके बावजूद भी वो जो शंकर जी का बहुत बड़ा भक्त था और उनको बहुत बड़ा इष्ट मानता था अपना और उनकी जो है पूजा वगैरह करता था। तो उन्होंने यहाँ पर जो है स्वयं शिव जी को अपनी रक्षा के लिए यहाँ पर बुला के बिठा के रखा था, वो भी एकदम पहरेदार के समान। तो आप शिव जी उनको भक्त के लिए जानते हो, वो भोले हैं तो किसी के लिए कहीं भी आ जाते हैं, वो किसी में भेदभाव नहीं करते। चलो आप लोगों को दिखाने वाले हम आगे, आप लोग आइए, आप लोगों को दिखाते हैं। तो ये आप जी कबूतरा वगैरह यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो ऐसा कहा जाता है यहाँ पर जब बहुत सारे किन्नर लोग आए थे तो वो शंकर जी के ईष्ट उनको कहा जाता है और वो उन लोगों के लिए जो है प्रेयर वगैरह करते हैं भगवान के लिए। तो आप लोगों को दिखाने वाले ये वही स्थान है जहाँ पर उन्होंने यज्ञ वगैरह कराई थी और इसको बहुत अच्छा चबूतरा में बना दिया गया, इसमें जो यहाँ पर श्रद्धालु वगैरह है आकर बैठ सके। तो आप लोग आगे दिखाते हैं और यहाँ पर जो दिख रहा होगा आपको दूर पे, तो थोड़ा कैमरा कीजिएगा। तो वहाँ पे यज्ञ वगैरह होते ना, वहीं पे हुए थे ना यज्ञ, तो वहाँ पर यज्ञ वगैरह उन्होंने करवाई थी जब किन्नर लोग सारे लोग आए थे। यहाँ पर बहुत बड़ा यज्ञ वगैरह उन्होंने करवाई थी और मतलब ये बहुत अच्छी जगह है, आप लोग यहाँ पर आइए। थोड़ा मंदिर जो काफी अंदर पड़ता है इसलिए इसके बारे में बहुत लोग नहीं जानते, लेकिन ये जो मान्यता है इसकी और ये बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है यहाँ पर मंदिर माना जाए। तो चलिए आप लोग हम आगे दिखाते हैं, आइए आप लोगों को। ये रहा मंदिर और मंदिर के जो है अभी हम कपाट खोल के अंदर जाने वाले हैं, चलिए आप लोगों को लेके चलते हैं। तो ये अभी बंद है कि खुला हुआ है? खुला है, अंदर की साइड, अंदर की साइड। आइए, तो ये रहा मंदिर और ये बहुत ज्यादा वीरान है इसलिए क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर लोग जो है सावन के टाइम में आते हैं। लेकिन आप लोगों को बता देना बहुत यार अच्छा मंदिर है, आप लोगों को मैं चाहूंगा कि आप लोग यहाँ पर जरूर आए और इसको जरूर देखें क्योंकि ये मंदिर ना बहुत अच्छा है। आप लोगों को तो मैंने जैसे बाबा ने बताया इसके बारे में बहुत सारी चीजें आप लोगों को बताई, ये रहा मंदिर। आओ आप लोगों को अंदर लेके चलते हैं, आइए आप लोगों को दिखाते हैं ये मंदिर। यहाँ पर दो शिवलिंग स्थापित है तो आप लोगों को दिखाने वाले जो बाणासुर के द्वारा स्थापित की गई थी, नहीं ये बाणासुर के द्वारा स्थापित नहीं है, डायरेक्ट इसे बताया जाता है कि चमत्कार के थ्रू यहाँ पर डायरेक्ट आई थी और उसके पश्चात जब यहाँ पर ये दो शिवलिंग्स देखे गए तो शिवलिंग देखने के बाद यहाँ पर जो मंदिर का निर्माण करवाया गया। तो आप लोगों को दिखाते हैं आप लोगों कहाँ पर है जो शिवलिंग आई थी, जिसे इसमें एक शिवलिंग ठंडी होती है एक गर्म होती है, इसमें हाँ दो शिवलिंग्स है। हाँ जो हमारी सिस्टर ने बताया आप लोगों को बताना चाहेंगे, इसमें दो शिवलिंग्स है और एक शिवलिंग हमेशा ठंडी रहती है और एक शिवलिंग हमेशा गर्म रहती है। तो आप लोग दिखाते हैं और उसको टेस्ट भी करवाते हैं आप लोगों। तो ये है हमारे सादर प्रणाम करना चाहूंगा, जय भोलेनाथ की जय। काश इस मंदिर के बारे में क्या महिमा है नाना, इस मंदिर को इतने ज्यादा प्रसिद्ध क्यों मानते हैं यहाँ पर? बाणासुर का जो बना हुआ है सब, हाँ बाणासुर की सोड़ी पर राजधानी रहे,
बाणासुर ये कौन थे? बाणासुर गए तो रहे, शंकर जी का भक्त रहे। हाँ वो है सब जालिया सोनिकपुर राजधानी रहे उनकी। अच्छा ये यही की उनकी राजधानी थी, राजधानी रहे सोनिकपुर। अच्छा शंकर जी का स्वयं रखा है हमारी नगरी के रक्षा करो। अच्छा यहाँ पर शंकर जी को उसने स्वयं रखा था रक्षा करने के लिए। तो आप लोग देख पा रहे होंगे ये मंदिर की जो महिमा है, और ये बहुत पुराना मंदिर है। इसके बारे में जो बाबा बता रहे हैं अभी हम कैदे से इनसे विस्तार में बाबा से जानने की नाना से अपने जानकारी लेते हैं। नाना और कुछ बताइए इसके बारे में, मंदिर के बारे में। मंदिर बारे में बताया बाणासुर जो है तो स्थापना करवा है इनकी तीनों शिवलिंग। हाँ अच्छा उन्होंने ही स्वयं स्थापना इनकी करवाई थी, स्वयं शंकर जी का आखिर बाद में इनकी तीन शिवलिंग की स्थापना करवा। और कहाँ पे है दो स्थापना कराई? अच्छा एक वो वहाँ पे भी मंदिर है, तो दो शिवलिंग वहाँ पर, दो शिवलिंग जो बाणासुर ने जो है वहाँ पे करवाई थी स्थापित, और एक यहाँ पर जो है स्थापित करवाई है। आप लोगों अभी अंदर हम दिखाने वाले हैं मंदिर के चल के थोड़ी देर में। तो नाना ने जो जानकारी वगैरह दी है यहाँ पर, तो मंदिर जो है ये नाना ये कहाँ पर मंदिर पड़ता है कुछ बताना चाहेंगे? बर्त सोनीपुर, सोनीपुर। अच्छा तो ये इसको आने के लिए जो यहाँ पे गोनी गुड़वा आते हुए, हाँ सीधा रोड ही है। हाँ तो ये यहाँ पे जो आप मंदिर देखने के लिए कितनी ज्यादा यहाँ पर सोनीपुर गाँव सीधा ही आऊंगा। हाँ तो गोनी गुड़वा सोते हुए सोनीपुर गांव में आप यहाँ पर आगे देख सकते हैं, ये बहुत ज्यादा प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर हमारे जो नाना है यहाँ पर बैठते हैं, और यहाँ पर जो है ये शिव जी की आराधना यहाँ पर करते हैं, और यहीं पर इनका बसेरा है। तो ये यहीं पर रहते हैं और यहीं पर पूजा वगैरह करते हैं रोज, जो है भगवान शिव जी को है जो अर्चना और पूजा उनकी आरती वगैरह करते हैं यहीं पर। और ये देखिए बाबा जो है भी यहाँ पर पूजा वगैरह के लिए अपनी सामग्री वगैरह तैयार कर रहे हैं। और यहाँ पर हम जो टहलने के लिए आए हैं, बहुत ज़्यादा गुप्त मंदिर है और बहुत ज़्यादा प्राचीन है। इसके बारे में जो कथाएँ वगैरह हैं वो बाणासुर के बारे में, हाँ ये बहुत ज़्यादा प्राचीन मंदिर है, ये अभी का मंदिर नहीं है। और आपको भी थोड़ा मंदिर भी दिखा देते हैं जो है अच्छे से, ये मंदिर है। तो ये इस पे जो है थोड़ा बहुत जो ऊपर लिखा हुआ है आप लोग पढ़ पा रहे होंगे, जैसे कि श्री मंदिर का निर्माण तो वो करा के गया था बाणासुर, लेकिन इसका जो है वापस रीडेवलपमेंट इनके द्वारा करवाया गया है, जिनके बारे में अभी आपको जानकारी दिया था जो इस शिलालेख पे लिखी हुई थी। और ये मंदिर के कपाट है, और मंदिर के कपाट से होते हुए मैं अंदर जाने वाला हूँ। ये देख सकते हो यहाँ पर जो है भोलेनाथ जी की प्रतिमा कितनी बड़ी जो यहाँ पर है, शिवलिंग उनकी स्थापित है, और ये नंदी जी उन्हीं की तरफ जो है अपना मुख करके बैठे हुए हैं। तो अभी यहाँ पर मैं अंदर मंदिर गया हूँ, बहुत अच्छा यहाँ का जो मंदिर है बहुत ज्यादा प्यारा मंदिर है। यहाँ पर जो है कुछ समय पश्चात, कितने समय पश्चात यहाँ पर जो किन्नर वगैरह आए थे तो इन्होंने यहाँ पर ये निर्माण वगैरह एक दो साल हो गया, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा विशाल का है जो यहाँ पर उन्होंने ये सब यज्ञ वगैरह और वो सब करवाया था। यहाँ पर जो शिव जी की आप लोग जानते होंगे किन्नर लोग जो आराधना बहुत ज्यादा करते हैं, उनको शिव जी को अपना इष्ट मानते हैं, आराध्य मानते हैं, तो इसलिए पर यहाँ पर आकर उन्होंने बहुत ज्यादा विकास कार्य भी करवाया है। तो ये जो आप लोग देख पा रहे होंगे माँ कुसुमा वाटिका, ये भी उन्होंने निर्माण करवाया है ऐसा कहा जाता है यहाँ पर। और ये यहाँ पर आप लोग साफ सफाई देख रहे होंगे, ये बाबा जी ने यहाँ पर गाय पाल के रखी है। और ये देखो इधर ये सब मंदिर वगैरह, ये मंदिर की जो है ये सब यहाँ पर सारी चीजें। तो मैं जरूर कहूंगा आप लोगों से कि यहाँ पर जरूर आओ आप लोग टहलने के लिए, बहुत ज्यादा प्राचीन मंदिर है और बहुत अच्छा है। आप अगर इसके यहाँ पर दर्शन करते हैं तो आप पक्का यहाँ पर धन्य होने वाले हैं। तो यहाँ पर आप लोग जरूर आइए, बहुत अच्छा मंदिर है। ये गुप्त जगह पे है इसीलिए इसे ज्यादातर लोग जानते नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पर आते हैं आप तो आपको सच में ना अंतरात्मा से जरूर शांति मिलने वाली है। और यहाँ पर वो नहीं है लेकिन सावन के समय यहाँ पर कहा जाता है बहुत ज्यादा यहाँ पर श्रद्धालु अगर आते हैं और यहाँ पर आप लोग आ सकते हैं और इसके जो है दर्शन यहाँ पर आके कर सकते हैं। ये माँ कुसुमा वाटिका जो कि किन्नरों के द्वारा यहाँ पर बनवाई गई, और किन्नरों के वो ईस्ट हैं इसलिए यहाँ पर जो है कि पूजा वगैरह भी करने आते हैं। तो आप लोगों को तो वाटिका में भी दिखाते हैं, हमारी जो सिस्टर है वो आप लोगों को लेके चल रही हैं अंदर, और अंदर यहाँ पर दिखाने वाली हैं सब। आंवला का पेड़ कहते हैं, और आंवला का पेड़ है जो इसके बहुत सारे फायदे हैं, इसको आप बालों में लगा सकते हैं, च्यवनप्राश जैसा बना के इसको आप यूज़ कर सकते हैं, और इसके बहुत सारे फायदे हैं। इसको आयुर्वेद में भी बहुत ज़्यादा इसको मान्यता दी गई है और बहुत सारे कामों में इसको यूज़ किया जाता है। दोनों मंदिर आपको दिखा चुका हूँ, एक वहाँ पे है जहाँ पे एक शिवलिंग है, यहाँ पे दो शिवलिंग, जिसमें से ये चमत्कार है कि एक शिवलिंग नॉर्मल रहती है और एक शिवलिंग जो है हमेशा ठंडी रहती है। यहाँ पर ठंडी हो चाहे गर्मी हो कुछ भी हो, लेकिन ये शिवलिंग का चमत्कार हमेशा रहता है। तो आप लोगों को मैं आगे और दिखाने वाला हूँ, ये जो आप लोग इधर देख पा रहे होंगे, आप लोग आइए सिस्टर आप इधर आ जाइए। तो ये रहा, और ये जो कुंड है आपको देखने को मिल रहा होगा, ये कुंड, ये पूरा तालाब एक कुंड है ये, जहाँ पर स्नान करके लोग जो है अपनी मन्नत वगैरह मांगने के लिए सीधा शिव जी के दरबार में यहाँ से जाते हैं। आ जाइए आप लोग। और सबसे बढ़िया चीज आप लोगों को बताना चाहूंगा कि यहाँ पर बैठने की जो चीजें है ना बहुत अच्छी कर रही, जब से यहाँ पर किन्नर लोग आए हैं
इन लोगों ने यहाँ पर बहुत ज्यादा विकास वगैरह करवा दिया, रोड वगैरह बनवा दी है और ये टायर्स पत्थर वगैरह जो आप अंदर देखेंगे मंदिर के सब उन्हीं ने लगवाया। तो मेरे सिस्टर ने बताया था, मेरे को पहले जानकारी नहीं थी, तो मैं आप लोगों को ये जानकारी दे रहा हूँ। तो चलिए आप लोगों को और दिखाते हैं। ये जो आपको जंगल जैसा दिख रहा होगा ना, पर बहुत अच्छा है यार, एकदम इतना अच्छा स्थान है, कुछ कहने के लिए आप यहाँ पर आके बढ़िया रेस्ट कर सकते हैं और इसकी सुंदरता का अनुभव ले सकते हैं। आप आराम से यहाँ पर बैठ जाइए, इतना बढ़िया यहाँ पर छांव वगैरह है, आप लोग सीधा एकदम बढ़िया यहाँ से नजारे लिए। अभी तो यहाँ पर थोड़ा ज्यादा जंगल वगैरह टाइप का हो गया है तो इतना अच्छा नहीं दिखेगा, लेकिन ये बाद में जब साफ वगैरह कर दिया था तो बहुत प्यारा यहाँ से दिखता है, सीधा मंदिर दिखता है और यहाँ बहुत ज्यादा ठंडा रहता है, जैसे अभी आप लोगों को दिख रहा होगा बहुत ज्यादा शीतल है। यहाँ चारों तरफ जो है लगा के रखते हैं और जितने पेड़ वगैरह लगे हुए हैं यहाँ पे, पीपल के हैं, बरगद के हैं, नीम के हैं और अमरूद वगैरह यहाँ पर, तो ये पेड़ जो यहाँ पर लगाए गए हैं ये प्राकृतिक तरीके से नहीं उगे, यहाँ पर बहुत अच्छा लगाया गया। और ये आप लोग देख रहे होंगे इधर, ये भी जो है एक कुंड का हिस्सा था लेकिन अभी ये जो है तालाब में उधर बन गया अलग, तो ये पूरा वहाँ तक बहुत ज़्यादा बड़ा है, ये छोटा सा नहीं है, ये बहुत ज़्यादा बड़ा है उधर तक, और ये कुंड भी काफ़ी ज़्यादा वहाँ तक दूर तक बड़ा है। और इसकी गहराई बताइए थी, बहुत ज़्यादा गहराई है, आप इसमें जो है अंदर ना जाए तो अच्छा रहेगा। इस कुंड में जो है नहाने के लिए आप बाहर से ही नहा ले, जितनी सीढ़ियाँ बनी हुई उसके आप अगर नीचे जाते हैं तो इसकी गहराई का कोई अंत नहीं है, ऐसे बोला जाता है बहुत ज़्यादा ये गहरा है, तो इसमें कुंड में ऐसे कोई नहीं जा सकता। तो चलिए आप लोगों बने रहिए हमारे साथ में, आप लोग और भी ज्यादा वीडियो रोमांचक ऐसे दिखाने वाले हैं। धर्म रूप स्वाभाविक कर्म है, उसको ही यहाँ स्वधर्म, सहज कर्म, स्वकर्म, नित्य कर्म, स्वभावज कर्म, स्वभाव नियत कर्म इत्यादि नामों से कहा गया है। मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त होता है उन प्रकार को ही कुंती पुत्र तू संक्षेप से ही मुझसे सुन। मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त होता है उस प्रकार को हे कुंती पुत्र तू संक्षेप में ही मुझसे समझ। बुद्ध्या विशुद्ध्या युक्तो भक्त्यात्मानं नियम्य च। तो अभी हम लोग आ चुके हैं वहां से शिवलिंग दर्शन करने के बाद, वाराणसी के बाद यहां पर आए हैं माँ कालिका देवी मंदिर जो कि जन गांव यहीं से कुछ देर पर ही पड़ता है, जो आपको मैंने शिव मंदिर वहां पे दिखाया था ना, तीन शिवलिंग्स थी तो वहां से कुछ दूरी पर ही जो ये पड़ता है, लमसम में 1 से 1.5 किलोमीटर होगा। और यहाँ पर देखा जाए तो जो बाणासुर के यहाँ पर अवशेष वगैरह हैं वो भी सब कुछ यहाँ पर पाए गए हैं, और यहाँ पे किला वगैरह जो उसका था, और यहीं पे कहा जाता है थोड़ी दूर पे ही जो बहुत भयानक इसका विराट काय युद्ध हुआ था जो है बाणासुर का, जिसे बोलते हैं सहस्त्र बाहु भी जिन्हें बोला जाता है, और सहस्त्र बाहु का जो युद्ध हुआ था भगवान परशुराम के साथ में, तो यहीं पर कहा जाता है जहां से ये सब खुदा हुआ पड़ा है एक तरफ से, तो ऐसा कहा जाता है कि यहीं पर उस युद्ध को जो है किया गया था और लड़ा गया था उन दो महावीरों के द्वारा, तो जिसमें से एक तो वो थे राक्षस और एक तो भगवान परशुराम जी थे, उनके द्वारा यहाँ पर युद्ध लड़ा गया। चलिए आपको दिखाते हैं माता जी का जो है मंदिर, आपको दिखाने वाले भव्य मंदिर। जय हो माता रानी की, जय हो, जय हो माता रानी। ये रहा इधर हवन कुंड, हवन कुंड में भूति। चलिए आपको लेके चलने वाले हैं मंदिर के अंदर। ये इधर जो है माँ काली देवी और जो है एक देवी जी की जो है यहाँ पर मूर्ति लगी हुई है अंदर, और यहाँ पर जो है मूर्ति बनी हुई है इधर, और इधर जो है कान्हा जी भी बने हुए हैं। चलिए हम आप लोगों को लेके चलने वाले इधर जो मेन मंदिर है माता जी का, तो ये मंदिर ये काफी क्या पिताजी फिर से बताइए थोड़ा। स्थापित बाणासुर द्वारा स्थापित की गई थी जिसे सहस्त्र बाहु भी कहा जाता है। ये उनके द्वारा स्थापित माता रानी का मंदिर है महामाया का, महामाया माता का मंदिर है जो कि बाणासुर जिसे सहस्त्र बाहु कहते हैं उनके द्वारा ये स्थापित किया गया था मेन मंदिर है। और ये जो आप इसके पीछे का व्यू देख पा रहे हैं यहाँ पे तालाब जैसा जो दिख रहा है, और ये काफी ऊंचे पर बना हुआ है, तो ये बाणासुर के द्वारा कहा जाता है इसे स्थापित किया गया था माता जी को। तो ये इसके पीछे जो आपको ये सब तालाब जैसा वो बहुत बड़ा सा वो दिख रहा होगा ना, बहुत दूर तक आप देख पा रहे होंगे, जितनी दूर तक आप नजर डालेंगे ये सब तालाब जैसा उधर पीछे दिख रहा है। तो ये जो यहाँ पर युद्ध हुआ था ये सब उसी के कारणों से यहाँ पर हुआ है, जैसे कि आप देख पाते होंगे जहाँ पर जो है ये युद्ध लड़ा गया था आपका कौरव और पांडवों के मध्य में,
तो वहाँ पर भी कुछ ऐसा ही दशा हो गया था, वहाँ घोड़ों के टापुओं और इन सब के चलने की वजह से जो वहाँ पर मिट्टी वगैरह खुद गई, जिस कारण जो है वहाँ पर ये ऐसा हो गया और बहुत ज़्यादा वहाँ पर जो है तालाब जैसा बन गया, जिसको हजारों वर्षों से 5000 सालों से चलते हुए ये जो प्रकृति ने इसको अपने अनुसार जो है ढाल लिया सब चीज़ों को। और यहाँ पर जो है बताया था बाड़ासुर की पूरी राजधानी थी, जहाँ पर वो निवास करता था और उसने शासन वगैरह यहाँ पर सब किया था। तो उसके कुछ जो अवशेष वगैरह मुझे दिखे तो रास्ते में, लेकिन उनको जो है अब क्या बताया जाए कि प्रकृति के द्वारा सब उनको वापस निगल लिया गया है, जिसके तहत सब सही कर दिया गया है। अगर इसको देखा जाए तो ये नीमसार में ही एक अनुसार पड़ता है, इसे नीमसार कॉरिडोर में जो है योगी जी को मिलाना चाहिए, क्योंकि ये नीमसार में ही आता है और इसका जो है बहुत पुराने मंदिर है। इनके बारे में जो सांसद और जो विधायक वगैरह इन लोगों को यहाँ पर कुछ करना चाहिए। तो मैं आप लोगों को इधर लेके आ गया हूँ माता जी के सीधा अंदर, जो कि मेन जिसे बोलते हैं, यहाँ पर ये अंदर है मंदिर। ये सकला भीष्का